व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं और इसी मास्टर में खुश आमदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हमारे नए दोस्तों के लिए जो भी एचपीएससी की फील्ड के अंदर आ चुके हैं या आ चुके हैं और उनको इन क्वेश्चंस का नहीं पता। तो आज की वीडियो जो है उनके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज आपके चंद एक बेसिक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो आज हमारे पास जो कंप्रेसर है ये बेसिकली रेफ्रिजरेशन सिस्टम का या एयर कंडीशन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है। इसी तरह जो कंडेंसर होता है, इसी तरह इवेपोरेटर होता है, इसी तरह जो कैपरी ट्यूब होती है, कैपरी ट्यूब के एक किस्म के चार नाम है, थ्रॉटलिंग डिवाइस भी कहते हैं उसको, बाद एक्सपेंशन वाल्व भी कहते हैं, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व भी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ नाम होते हैं एक ही चीज़ के। तो आज उसका जो इंपॉर्टेंट साइकिल है, जो कंप्रेसर जो बेसिकली कंप्रेस करता है एक पंप की तरह, जैसा कि हमारा दिल काम करता है एक बॉडी के अंदर, इसी तरह रेफ्रिजरेटर सिस्टम के अंदर ये कंप्रेसर जो है वो एक पंप के तौर पे काम करता है, जो गैस को खींचता है, धक्का देता है, खींचता है, धक्का देता है, और हमारी जो है वो पाइप जो हमारी फ्रिज के अंदर लगे होते हैं उनके अंदर उनको सर्कल करवाता है, उनके अंदर उसकी रेस लगवाता है, रेफ्रिजरेंट की दौड़ाता है उसको पूरे सिस्टम के अंदर। और जब वो रेफ्रिजरेंट दौड़ती है तो जैसा कि आपने कभी कपड़े इस्त्री करने वाला शावर जो है वो उसके अंदर पानी डाल के उसको स्प्रे किया होगा, जब स्प्रे करते हैं तो ब्रीक जो है वो वेपर्स निकलते हैं जो कि हवा के जो है वो अंदर ठंडे हो के आपको बिल्कुल ठंडा ठंडा एहसास फील होता है। तो इसी जो है ठंडक के एहसास को एक गैस जो स्पेशल बनाई जाती है उसके अंदर हज़ार गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो जब भी वो ब्रीक जो है सुराख से स्प्रे की जाती है तो उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और माइनस जो है वो 50 डिग्री तक चली जाती है, जिससे आपको हाईली कूलिंग इफेक्ट मिलता है और आपका रेफ्रिजरेंट का कैबिन जो आपका फ्रिज के दरवाज़ा खोले तो एकदम ठंडा महसूस होता है, वो चीज़ होती है। या आपके कमरे के अंदर जो है वो एयर कंडीशन एक कूलिंग कर देता है, ठंडक कर देता है। तो क्या करता है, जब गैस पाइप से अंदर से गुजरती है जो आपका इंडोर लगा होता है, तो इंडोर से आपका जो अंदर एक फ़ैन लगा होता है जो रेगुलर चलता रहता है वो हवा को खींचता है और ऊपर से हवा को फेंकता है और नीचे से हवा को खींचता है, खींच के आपके कमरे को में फेंकता है और आपको बिल्कुल एकदम ठंडा महसूस होने लगता है। तो इसी तरह हमारा ये उसके पीछे ये लगा होता है कंप्रेसर। देखने में तो ये काला है, वैसे भी हम काले काम रंग से नफरत करते हैं, तो एक जो है वो इसको स्पेशल बनाया जाता है काला, ताकि आपको जो है वो सिस्टम के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। तो इसको काला क्यों किया जाता है, इसका ब्लैक कलर क्यों होता है, तो इसलिए ब्लैक किया जाता है क्योंकि ये अच्छी रेडिएशंस खारिज कर सकता है, यानी कि आपके जो रेफ्रिजरेंट जब भी चलता है तो इसके अंदर ये अभी मोटर होती है, तो ये मोटर जो है वो ये स्टेटर इसका बहुत ही गर्म हो जाता है क्योंकि इसके अंदर से रेगुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही थी, करंट की एक जो है वो रेगुलर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बन रही होती है, जिसके अंदर से एक रेजिस्टेंस पैदा हो रही होती है इस रोटर को धक्का लगाने के लिए, जिसके नतीजे में क्या होता है कि कुछ एडी करंट का इफेक्ट होता है और हमारा जो है वो ये इसका कोर जो है ये ब्रीक ब्रीक पत्थरियों का बना होता है, तो ये क्या होता है गर्म हो जाता है। तो इसको गर्म रखने के लिए, इसको ठंडा रखने के लिए इसके अंदर आयल डाला जाता है जो कि इसके ऊपर बार बार गिरता है और वो टेम्परेचर जो है वो उस आयल का भी ज़्यादा हो जाता है। अब आयल का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, उसको ठंडा कैसे किया जाएगा, तो उसको ठंडा करने के लिए ये जब कोर के साइडों पर गिरता है आयल तो इसके ज़रिए रेडिएशंस के ज़रिए इसके अंदर से हीट जो है वो बाहर हवा के अंदर निकलती है। तो अक्सर जो है वो आपने इसको हाथ लगाया होगा या आपको इसको हाथ टच करता होगा तो ये बहुत गर्म होता है। अब इस तरह नए बंदे को लगता है कि जैसे हमारा ये तो गया, इतना गर्म हो चुका होता है, तो ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर जो है वो इसको ठंडा करने के लिए आयल होता है जो रेगुलर इसके अंदर चलता रहता है, सर्कल करता रहता है और हमारे कंपोनेंट्स को घिसने से बचाता है और जब उसकी जो हीट है वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ठीक है, अभी हम जो बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स के ऊपर, इसके पार्ट्स जो हैं वो किस तरह वर्किंग करते हैं। तो अभी इस मोटर ने जो है वो इसको हमने करंट दिया, ये आप देख सकते हैं ये पॉइंट इसका लगा हुआ है, हमने यहाँ से इसको सप्लाई दी। इसके तीन पॉइंट होते हैं, ठीक है, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। ठीक है, आपने क्लॉकवाइज गिन लेना है। कॉमन जो हमारा डेनबॉस का कंप्रेसर होता है उसका हमेशा कॉमन नीचे की तरफ होता है, जो नेशनल का होता है उसको ऊपर की तरफ होता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये देखें, ये रखा हुआ है हमारा कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट से हमने गिन लेना है क्लॉकवाइज ऐसे, यानी कि क्लॉक ऐसे चलता है तो क्लॉकवाइज यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, अभी लिखा भी होता है लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप इमेजिन कर लेंगे ये कॉमन पॉइंट है क्योंकि नीचे की तरफ जो होता है वो पॉइंट कॉमन होता है, जो ऊपर की तरफ होता है वो हमारा जो नेशनल में होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो डेनबॉस में नीचे की तरफ, ये कॉमन
रनिंग स्टार्टिंग, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान आपने कैपेसिटर लगा देना है, और जो रनिंग होती है वहाँ से एक तार लगानी है और एक तार जो है कॉमन से लगानी है, उसको बिजली में लगा देना और हमारा ये मोटर चालू हो जाएगा। अब चालू जब हो जाएगा तो बाज़ूकात इसमें एक फॉल्ट भी आ जाता है। फॉल्ट क्या आता है कि गूँ करता रहता है और एकदम से इसका जो है थर्मोस्टेट ट्रिप कर जाता है और हमारा कंप्रेसर नहीं चल पाता। तो उसका क्या रीज़न होता है, तो इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो वीक हो जाती है। ये आप देख सकते हैं ये बारी जो अंदर की तरफ वाइंडिंग होती है, ये इसका स्टार्टिंग कॉइल होता है, तो ये वीक हो जाता है। जब स्टार्टिंग स्टार्ट ही नहीं देता तो ये हमारा ये वाला रोटर जो है ये अभी घूम रहा है, ये अटक जाता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारी मोटर की आवाज़ आती है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही थी उसकी वजह से वाइब्रेशन की गूँ सी आवाज़ आती है और टक बंद, तो इस वजह से होता है ये बंद हो जाता है। तो जब ये वीक हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए कि स्टार्टिंग और रनिंग के दरमियान हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर जोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्टार्ट देने के लिए या जो हमारा टार्क देने के लिए इस कॉइल ने धक्का लगाना था, वो जब हम कैपेसिटर लगाएंगे तो इसमें एक एक्स्ट्रा जो है वो फील्ड पैदा होगी ज़्यादा पावर की, तो हमारे जो है वो रोटर को घुमा देगी, जब घुमाएगी तो हमारी रनिंग वाइंडिंग जो है वो उसको पिक कर लेगी और हमारा जो है वो ये वाला रोटर 2800-2900 RPM पे रोटेट करने लग जाएगा। जब रोटेट करने लग जाएगा तो हमारा सिस्टम शुरू हो जाएगा कूलिंग का। तो कूलिंग का सिस्टम कैसे शुरू होगा, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। तो पिस्टन जब आगे पीछे चलता है तो इससे चलने से क्या होता है कि ये गैस को एक तरफ से खींचता है और एक तरफ से निकालता है। अब खींचता किस तरफ से, तो ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ये आप देखें, इसके अंदर ये रोटर है और ये इसके ऊपर वाली बेस प्लेट है और इसके ऊपर लगा हुआ है पिस्टन और ये इसका बैलेंसिंग एरिया है कि पिस्टन जब आगे की तरफ जाएगा तो ये हमेशा उसके पीछे की तरफ जाएगा, यानी कि वो एक जो है अपना बैलेंस बरकरार रखने के लिए इसके साथ बैलेंसिंग प्लेट लगाई जाती है। जैसा कि गाड़ियों के इंजन के अंदर कभी आपने खुला देखा होगा तो इंजन के जब पिस्टन आगे की तरफ जाता है तो एक चैम्बर जो होता है वो बिल्कुल घूम के उसके ऑपोजिट जाता है, तो क्या करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि हमारा कंप्रेसर जो है वो ज़्यादा हिले डुले नहीं। अगर ये बैलेंसिंग प्लेट नहीं होगी तो हमारा कंप्रेसर बिल्कुल ऐसे टक 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 करने लग जाएगा, जिससे क्या होगा कि ज़ोरदार आवाज़ें पैदा होंगी और जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा होगी, नॉइज जो है वो पैदा होगी। तो इससे बचने के लिए उन्होंने एक पीछे से इसको बैलेंसिंग प्लेट लगा दी है। अब हमारा कंप्रेसर जो है जितनी भी रफ्तार से चले 2800-2900 RPM पे चले तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता। अब अगर फ़र्ज़ करें वाइब्रेट हो भी गया तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए इस शेल को उठाएं तो आपको चीज़ नज़र आएगी, आप देख सकते हैं, ये देखें, ये इसके अंदर जो है वो स्प्रिंग लगी गई, ये आप देख सकते हैं। अगर कुछ वाइब्रेशन हो भी तो ये स्प्रिंग इसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जब हमारा स्टार्टअप लेता है कंप्रेसर तो ये उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके कंप्रेसर के जो है वो काफ़ी सारे फॉल्ट्स के ऊपर, कि जब हमारा कंप्रेसर जो है वो प्रेशर छोड़ जाता है, प्रेशर नहीं बना पाता, मोटर चल रही है, मोटर अगर कम लोड पे ट्रिप हो रही है, बार बार ट्रिप हो रही है, उनका हल क्या है, हमारा कंप्रेसर अगर जल गया तो उसको हम कैसे रिपेयर करवा सकते हैं या कर सकते हैं। तो अगर हमारी वॉल्व प्लेट ख़राब हो गई है, प्रेशर नहीं बन पा रहा, या हमारी ये टर्मिनल्स बाज़ूकात जल जाते हैं, या बार बार आपका कंप्रेसर जो है वो इसके ऊपर जो रिले लगी होती है वो जला रहा है, या इसके अंदर कैसे जो है वो आप कैपेसिटर अटैच कर सकते हैं, ये काफ़ी सारे सवाल हैं जो आपको साथ साथ में रिवाइज करवाता जाऊंगा, जिससे नए आने वाले दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।